प्रदेश बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी हो रही है। प्रदेश बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का भी बदलाव किया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल होंगे नए नेता प्रतिपक्ष। धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मलाल की जगह नारायण चंदेल चुने जाएंगे नए विधायक नेता। बड़ी खबर आपको बता दें, 17 अगस्त को विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। इसके कयास पहले से ही थे, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है नारायण चंदेल और नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका चुनाव होगा। जांजगीर चांपा से विधायक है नारायण चंदेल, भारतीय जनता पार्टी के आपको बता दें बड़े नेता है नारायण चंदेल और जांजगीर चांपा से विधायक है। अब उनका जो चुनाव है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होने जा रहा है और वर्तमान में धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन इसके कयास पहले से ही थे जब धर्मलाल कौशिक बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव के बाद दिल्ली पहुंचे थे और फिर वहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तब से ही सुगबुगाहट थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी है और अब खबर है कि नारायण चंदेल धर्मलाल कौशिक की जगह लेंगे और नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। 17 अगस्त को विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें यह अहम फैसला होगा। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल चुने जाएंगे नए विधायक नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 अगस्त को विधायक दल की बैठक में इसका फैसला भी हो जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है नारायण चंदेल और अब नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। जांजगीर चांपा से विधायक है नारायण चंदेल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी हो रही है। प्रदेश बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का भी बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का भी बदलाव होगा। धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बदलाव की तैयारी हो रही है। धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल चुने जाएंगे विधायक नेता। 17 अगस्त को विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। तो बड़ी खबर, जांजगीर चांपा से विधायक हैं नारायण चंदेल और नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उनका चुनाव होना है। इसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बदलाव हो सकता है। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, नारायण चंदेल का नाम सामने आ रहा है नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, हालांकि इसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक और बदलाव होगा। जी मनोज। जी निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़े बदलाव के सुगबुगाहट पहले से ही चल रही थी और मिशन 2023 को लेकर जो है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ को अहम राज्य माना जा रहा है क्योंकि 15 साल तक यहां पर जो है भाजपा की सत्ता थी और 2018 में जिस तरीके से भाजपा सिकुड़कर 14 से 15 सीटों पर आ गई थी, इसे लेकर जो है केंद्रीय नेतृत्व काफी गहन मंथन कर रहा था और 9 अगस्त को जो है इसी तारतम्य में पहले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की छुट्टी की गई और उनकी जगह जो है बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। और अब जो है 17 अगस्त को विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में जो है नारायण चंदेल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और इस प्रकार से जो है वर्तमान जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक उनकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कि अरुण साव कल ही रायपुर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज भी ले लिया है। 17 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की भी सुगबुगाहट है और उनका कार्यक्रम भी लगभग तय है। वे यहाँ आएंगे और यहाँ आकर वे पहले संगठन के बूथ से लेकर बूथ मंडल से लेकर जिला के पदाधिकारियों के साथ साथ कोर ग्रुप के तमाम मेंबरों की भी बैठक लेंगे और यहाँ के सांगठनिक कार्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है प्रदेश सरकार के जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनकी विफलता को लेकर भी जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उन्हें आगे की टिप्स देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने की जो चर्चा थी वह जो है अब उसको पूरी तरीके उस पर भी जो है मुहर लग चुकी है और 17 अगस्त को जो है नारायण चंदेल के नाम की औपचारिक घोषणा विधायक दल की बैठक में होगी। बिल्कुल मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से ताल्लुक रखते हैं, वहां की विधानसभा से विधायक हैं, क्या अब ये जब नाम उनका सामने आ रहा है इसके बाद अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में ही वो मौजूद हैं या फिर राजधानी भी आ सकते हैं? जी देखिए, नारायण चंदेल कल राजधानी रायपुर में नहीं थे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आए थे, वे अभी यही हैं और नारायण चंदेल को काफी पुराना अनुभव है, वे विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार के विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भार भी जो है विधानसभा में देखने को मिलेगी और फिलहाल जो है 17 अगस्त की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। उसी दिन जो है विधायक दल में उनके नाम को प्रस्तावित किया जाएगा और उसके बाद वे अगले नेता प्रतिपक्ष भाजपा की ओर से होंगे।
बिल्कुल। वहीं मनोज, अगर धर्मलाल कौशिक की बात करें तो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में हैं, अब जब नारायण चंदेल उनकी जगह लेंगे तो क्या पार्टी धर्मलाल कौशिक को किसी और जगह पर कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? निश्चित रूप से मिशन 2023 को लेकर जो है भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बीते दिनों जिस प्रकार से प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग की आवासीय प्रशिक्षण वर्ग हुआ जिसमें तमाम पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, और इसके अलावा जो है केंद्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का दौरा था, उन्होंने 3 दिनों के तूफानी दौरे में नीचे से लेकर तमाम ऊपर तक के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोगों की बैठक ली, कोर ग्रुप की भी बैठक ली, और इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद जाकर जो है प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव देखने के रूप में मिला है। और अब जब नारायण चंदेल की जब नियुक्ति होगी तो उसके बाद जो है धर्मलाल कौशिक को भी कुछ न कुछ अहम जिम्मेदारी जो है पार्टी में मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि पार्टी जो है किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करेगी, किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि मिशन 2023 में उन्हें सभी को मिलजुल कर काम करना है, और यहाँ से जो है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद जो है भाजपा के तमाम जो है पदाधिकारी। मनोज, एक बहुत अहम सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह से हाल ही में एक बड़े नेताओं की जिस तरह से यहाँ पर दौरा भी हुआ था उनका, और अब जिस तरह से केंद्र नेतृत्व में परिवर्तन होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अभी तक का जो नेतृत्व था बीजेपी का, छत्तीसगढ़ बीजेपी का, एक विपक्ष के तौर पर उसकी जो भी भूमिका रही है, हालांकि बीजेपी ने समय समय पर सड़क पर आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, प्रदेश सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम देखें मनोज, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व इन सब प्रदर्शनों से, आंदोलनों से, और विपक्ष के तौर पर जिस तरह से प्रदेश बीजेपी की परफॉर्मेंस थी, उससे क्या इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं था कि एकाएक जो पदाधिकारी हैं वो बदले जा रहे हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है वर्तमान पदाधिकारियों से या नेता प्रतिपक्ष से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए जो है इस बदलाव को इस रूप में भी देखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 15 साल तक के जो जी, है आपको रोकना चाहेंगे मनोज, इस वक्त हमारे पास हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से धर्मलाल कौशिक की जगह अब नारायण चंदेल का नाम सामने आ रहा है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, कब तक सर इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है? देखिए, विधायक दल के नेता की घोषणा कभी पार्टी के द्वारा नहीं की जाती है जी। ऐसा नहीं है कि पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा ये घोषित किया जाए जी। जो एक संसदीय परंपरा है उसके तहत बाकायदा विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है जी। और विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लगती है जी। तो जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 17 तारीख को जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में जहाँ धर्मलाल कौशिक की जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है जी, उनकी सेवाओं के संदर्भ में आभार ज्ञापित होगा, वहीं दूसरे नेता प्रतिपक्ष का चयन भी होगा। और ये पुष्ट जानकारी है कि इस बार पार्टी ने वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल के नाम पर विश्वास जताने का फैसला किया है जी। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है जी। कई बार के विधायक हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व संभाल चुके हैं, संगठन के स्तर पर भी प्रदेश महामंत्री के तौर पर उनका अनुभव रहा है जी, पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर अब नारायण चंदेल 2023 के चुनाव के संदर्भ में भाजपा की उम्मीद रहेंगे। अरुण साहब के बाद में ये एक दूसरा बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करने जा रही है जी। सर, वही हमने देखा है कि जिस तरह से हाल ही में आपने भी बताया कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अरुण साहब को जगह दी गई, अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे, एकाएक हम देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो क्या मिशन 2023 की तैयारी से ही से जोड़ा जाए, या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्तमान में जो निवर्तमान पदाधिकारी थे उनकी परफॉर्मेंस को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में कुछ और बदलाव की सुगबुगाहट थी प्रदेश स्तर पर, और इस वजह से ये फैसले अब लिए जा रहे हैं पार्टी में? देखिए, 2023 को लेकर तैयारी, इस पर तो कोई संशय की बात ही नहीं है जी। और जिन दो व्यक्तियों के पास अभी जिम्मेदारी थी उनके अनुभव और योग्यता पर भी किसी को संदेह नहीं है। विष्णुदेव साय पहले भी पार्टी में अध्यक्ष का दायित्व कई बार संभाल चुके थे जी। केंद्र में मंत्री का दायित्व संभाल चुके थे, एक गंभीर चेहरा थे, एक अनुभवी चेहरा थे, और उन्होंने पार्टी को नाजुक समय पर नेतृत्व प्रदान किया जी। उसी प्रकार से धर्मलाल कौशिक की भी अगर बात करते हैं तो धर्मलाल कौशिक ने भी पार्टी के द्वारा समय समय पर दिए गए दायित्वों को बखूबी निभाया जी। चाहे वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर बात हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बात हो, और चाहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बात हो, यहाँ तक कि 2013 के समय पर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वर्तमान में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो कुल मिलाकर इन्होंने पर्याप्त जो अवसर पार्टी के द्वारा दिया गया उस पर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया जी। लेकिन 2023 में एक नई ऊर्जा भरने की जरूरत कहीं ना कहीं पार्टी महसूस करती है। 2018 में बहुत ही
निर्मम किस्म की पराजय भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी जी। और जब देश में भाजपा एक तरफा जीत रही हो वहां पे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बुरी तरह हारे तो तय बात है कि पार्टी को लगता है कि कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे माहौल बदले, कार्यकर्ताओं में जोश आए, जनता में संदेश जाए जी। तो इसलिए इस बदलाव को अंजाम दिया गया है। तो इसमें पहले अरुण साहब के रूप में एक गंभीर चेहरा आया था जी, वहीं अब नारायण चंदेल के रूप में एक अनुभवी व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है। नारायण चंदेल के संदर्भ में पहले भी यह माना जाता था कि पार्टी की तरफ से उन्हें उतने महत्वपूर्ण दायित्व नहीं मिले हैं जो उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए जी। तो देर से ही सही, पर नारायण चंदेल को इस बार पार्टी ने मौका देने का मन बनाया है। तमाम और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होते हुए भी नारायण चंदेल पर यह भरोसा जताना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस विधायक दल में ब्रजमोहन अग्रवाल जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ हो, अजय चंद्राकर जैसा कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति मौजूद हो, शिवरतन शर्मा जी जैसा संगठन का गुणी व्यक्ति हो, ऐसे ननकी राम कंवर के रूप में एक आदिवासी वरिष्ठ चेहरा हो जी। उन सबके होते हुए भी अगर नारायण चंदेल के संदर्भ में पार्टी ने भरोसा जताया है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दायित्व है। देखना दिलचस्प होगा कि इस दायित्व का निर्वहन नारायण चंदेल अब कैसे करते हैं। पार्टी ने ये उम्मीद नहीं की केवल की विधानसभा में एक बेहतर प्रदर्शन हो। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इन परिवर्तनों के माध्यम से 2023 में अपनी खोई हुई सत्ता छत्तीसगढ़ में वापस हासिल करना है जी। देखना दिलचस्प होगा, सत्ता वापस हासिल करेंगे नहीं करेंगे ये तो अलग बात है जी। पर जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर अभी वर्चस्व बना हुआ है, भूपेश बघेल का जिस तरीके का नेतृत्व आक्रामक बना हुआ है, उसमें भाजपा एक सशक्त चुनौती बन पाती है कि नहीं बन पाती है, पहली तो इस बात में दिलचस्पी राजनीतिक प्रेक्षकों को रहेगी जी। और बाकी सत्ता में लाना निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पर प्रयास और राज्य स्तर का संगठन जी, ये दोनों संयुक्त रूप से अगर प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती के रूप में तो अपने आप को साबित कर पाएंगे जी। बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सहयोगी मनोज नायक भी जुड़े थे। मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हरिभूमि एन एच 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी इस खबर पर अपनी बात रख रहे थे कि इतने वरिष्ठ नेताओं के होते हुए भी नारायण चंदेल जैसे वरिष्ठ नेता की नियुक्ति करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बीजेपी 2023 में अपनी खोई हुई सत्ता को वापस कर हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।